नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित शर्मा फिर से हाजिर आपके अपने चैनल रोहित शर्मा ट्रेनर के अंदर। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। आज हम आए दोस्तों लवली ऑटोज, लवली ऑटोज का बिल्कुल डेमो व्हीकल आपके सामने दिख रहा होगा। लवली ऑटोज में आप गेस कर सकते हैं कौन सी गाड़ियों की बिल्कुल नई लॉन्च की है, बिल्कुल सही गेस किया है, वो है बलेनो। बलेनो का टॉप वेरियंट मेरे पास अवेलेबल है दोस्तों। इसमें देखते हैं क्या क्या फीचर है, मजेदार फीचर है, खास करके मैं बताऊंगा जब आप इस पे गाड़ी को ड्राइव करेंगे आपको पूरा आनंद आने वाला है। यू विल एंजॉय द राइड, और इस राइड के अंदर आपको मीटर कंसोल के अलावा कुछ और चीजें भी दिखने वाली है जब ड्राइव करेंगे। तो इसमें अच्छे फीचर बताने के लिए हमारे बीच में टीम मेंबर अवेलेबल है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ टीम मेंबर से, तो प्लीज आए और हमारे को गाड़ी के बारे में बताएं। हैंड ओवर टू टीम मेंबर। नमस्कार तरुण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रोहित शर्मा ट्रेनर में, और आज हम बात करेंगे बलेनो गाड़ी के बारे में, बिल्कुल न्यू लॉन्च 2022 बलेनो। जी जी सर, न्यू एज बलेनो आई है जो सेकंड न्यू जनरेशन है, इसमें विद क्राफ्टेड फ्यूचरिज्म डिज़ाइन फिलोसफी, और इसमें जो है नए फीचर अभी ऐड हो गए हैं, और इसमें फ्रंट में आपको देखोगे नेक्स्ट वेव ग्रिल है एक्चुएटेड स्ट्रिप के साथ, और साथ में थ्री डॉटेड DRLs आ गई है इसमें। तो काफ़ी सुंदर भी लग रहे सर, तो बहुत ज़्यादा। अभी इस समय इसमें LED फॉग लैंप विद एक्चुएटेड स्ट्रिप के साथ आ रहे हैं सर। ओके, और इसमें आपको बताना चाहूँगा फ्रंट में भी कैमरा आ रहा है इस समय, 360 कैमरा। फ्रंट में कैमरा, सर इसका फ़ायदा क्या होगा? ऐसे होता है सर, जैसे गाड़ी पार्क करते हैं तो अपने को पता लग जाता है कि हाँ गाड़ी नीचे कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है पार्किंग करते हुए, बहुत बढ़िया ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो आपने बताया 360 डिग्री कैमरा आप गाड़ी में देख सकते हैं, गाड़ी में देख सकते हैं, ये चारों तरफ है सर, अपना लेफ्ट ड्राइवर साइड में भी है, को ड्राइवर साइड में भी है। ओके, और रियर में भी अपना कैमरा आ रहा है सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, ये तो लग्जरी फीचर्स आपने दे रखे हैं गाड़ी में। बिल्कुल सर, जो कि 17-18 लाख की गाड़ियों में आते हैं। हाँ, और सेफ्टी भी है इसमें। सेफ्टी भी है सर। जी जी जी। और इससे आगे बताना चाहूँगा सर, जो अभी अलॉय का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है, अभी इसमें ये ड्यूल टोन प्रिसीजन कट अलॉय भी ला रहे हैं इसमें, विद अपने 195/55 R16 साइज आ रहा है, 16 इंच अलॉय व्हील। क्या बात है सर, बड़े सुंदर और मजबूत दिख रहे हैं। हाँ जी, और इसमें जो मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, अभी गाड़ी में कलर भी नया ऐड किया है, ये नेक्सा ब्लू सेलेस्टियल कलर आ रहा है। ओके ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, अच्छा कलर दिख रहे हैं जी सर। और इसमें सर, और इसकी मैं शोल्डर लाइन देख पा रहा हूँ, शोल्डर लाइन तो लास्ट तक जा रही है, काफ़ी सुंदर लग रही गाड़ी। अभी कार का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है, कार थोड़ा मस्कुलर लग रही है। ओके, कि पहले थोड़ा डिफरेंट साइज डिज़ाइन था इसका, अभी तो कार थोड़ा मस्कुलर है, वो हैवी है। ओके, रोड पे ग्रिपिंग बहुत अच्छी है इसकी। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। अभी ओ RVM पे सर कैमरा भी दिया हुआ है को ड्राइवर साइड के, जो 360 व्यू है। ओके, गाड़ी में बैठे बैठे आप देख सकते हो कि सर पार्क कर रहे हो तो साइड में कितनी जगह है, तो आप इजीली इसको पार्क कर सकते हो। काफ़ी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया इसके अंदर। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। क्रोम डोर हैंडल आ रहे हैं, और स्मार्ट कीलेस एंट्री आ रही है सरकार में। कीलेस एंट्री, स्मार्ट की, क्या बात है, और क्रोम हैंडल, सुंदरता में चार चांद, कन्वीनियंस के साथ में। कन्वीनियंस के साथ। ग्रेट सर, आइए देखिए गाड़ी में अंदर से क्या फीचर। तो सर, आपने मेरे को फिलोसफी बताया, ये फिलोसफी क्या है और इसका क्या फायदा है, गाड़ी में क्या फीचर है? सर वो अभी ये नए जैसे फीचर इन फीचर में आने वाले थे, तो अभी कंपनी ने पहले से स्टार्ट कर दिया, जो कि अभी मारुति के कारों में आने स्टार्ट हो गए हैं जी। ओके, इसका मतलब क्या फ़ायदा, क्या कोई बेनिफिट्स को? बेनिफिट क्या है कि जो अपना क्या कहते हैं फीचर्स में ही है सर, जो फीचर जो है, जो फीचर्स में कार है। ओके, जो आने वाले फीचर थे। ओके, वही का अभी समय आ चुके हैं। कुछ दिनों में तो मैंने सुना है, मैंने मूवी देख रहा था बॉलीवुड की, उड़ने वाली कारें भी आने वाली है। नहीं, अभी तो वो इसमें नहीं है। गुड है, कोई बात नहीं, जस्ट जोकिंग। कार का स्टीयरिंग डिजाइन चेंज कर दिया गया है, अभी आप देख सकते हो सर इसमें फ्लैट बॉटम डिजाइन आ रहा है सर। क्या बात है, उसका बेनिफिट काफी है, अगर मैं राइड करूँ तो वेरी कम्फर्टेबल रहे। बिल्कुल सर, और इसमें नया फीचर एड ऑन किया गया है सर, इसमें क्रूज कंट्रोल आया है सर। ओके, क्रूज कंट्रोल है इसमें, ये आप अगर जैसे लॉन्ग ड्राइव जाते हो, लॉन्ग ड्राइव के दौरान आप इसको सेट कर सकते हो क्रूज को 40 की स्पीड पे जाके। ओके, 40 पे जी, 40 की स्पीड पे इसको सेट कर सकते हो, और आप एक्सेलेट से पैडल से पैर हटाकर इजीली। हाँ, मेरे दोस्त के पास एक है गाड़ी, ऑलरेडी ली है अभी आपसे, पैर तो वो कहते हैं चौकड़ी मार के गाड़ी चलाओ, मजेदार चलती है जी सर। और इसमें सर जो कार का भी डैशबोर्ड का डिजाइन चेंज कर दिया गया है, आप देख सकते हो पियानो बेलिक फिनिशिंग आ रही है सर इसमें, बिल्कुल, बिल्कुल जो कार के लुक को एनहांस कर रही है, और कार में सुंदरता को चार चांद लगाती है। और इसमें आपको सर स्मार्ट प्ले स्टूडियो 9 इंच का कर दिया गया है सर। 9 इंच काफी बड़ी स्क्रीन है सर ये जी। बिल्कुल सर। ओके,
और इसमें जो सीट पे आप बैठे हैं, सीट मेरे को लगता है एडजस्टेबल होगी जी सर। सीट बिल्कुल एडजस्टेबल है सर, इसको अपना आगे पीछे कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो और बैक में भी जैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें सर जो स्टीयरिंग भी है वो भी एडजस्टेबल है अपने हाइट के अकॉर्डिंग, आप सर टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही टेलीस्कोप भी अवेलेबल है। क्या बात सर, एक बार फिर से करेगा टेलीस्कोप? और क्या बात है, तो दर्शकों जिसने भी नहीं देखा हो तो देखिएगा, टेलीस्कोपिक इसमें स्टीयरिंग सिस्टम आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग कंफर्ट के लिए बढ़िया रहता है। बहुत बढ़िया सर। और कुछ फीचर मैं देख पा रहा हूँ इस तरफ राइट साइड पे सर, ये वाला? हाँ जी, ये सर हेड अप डिस्प्ले चाबी दी देखिए, अभी सर इसमें हेड अप डिस्प्ले आ गया। ओके, ये ऑटोमेटिकली अप हुआ है ना? जी बिल्कुल सर, ये ऑटोमेटिक अप डाउन हो जाए। इसमें आपको स्पीड नजर आ सकती है और जो जैसे डोर दरवाजा खुला है उसको अभी मैं देख पा रहा हूँ, डोर खुला था, डोर ओपनिंग दिखा रहा है, डोर ओपनिंग दिख रहा है जी सर। स्पीड देख सकते हो इसमें सर, वो गाड़ी चलेगी तो स्पीड भी देख सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं और आरपीएम मीटर चेक कर सकते हो सर इसमें। ओके जी, मैं इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश कर रहा था बट मैं इसको अभी वन पे ले आता हूँ। तो इसमें मेरे पास में काफ़ी फीचर अवेलेबल होंगे इसके अंदर। जी बिल्कुल, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। और इसमें सर हेड अप डिस्प्ले का ये बटन्स दिए हुए हैं जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हो और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग ही इसको अप और डाउन कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो कि जो भी व्यू। और इसमें आपको ये 360 व्यू का बटन दिए हुए हैं और इस पूरी गाड़ी के साइड पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर, और इसमें ये ESP दिया हुआ है जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है जो गाड़ी को स्टिक। हाँ देखा है, पहाड़ों पे काफी काम आता है सर, माउंटेन पे एकदम मोड़ आते हैं, टर्न करते हैं ना, बहुत ज्यादा काम आता है, तो सेफ्टी में काम आता है। इसको ऑफ भी कर सकते हैं बर्फ के केस में। और बिल्कुल सर जी जी, और आइडल स्टार्ट स्टॉप आ गया सर इसमें इस बार ये टेक्नोलॉजी में जी। ओके, मतलब अगर ट्रैफिक लाइट पे आपकी गाड़ी रुकी हुई है तो गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाएगी, खुद भी खुद बंद हो जाएगी। और इन केस जैसे आपका गाड़ी का टेम्परेचर लो होता है तो और या क्लच प्रेस करते हो तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। ओके, मींस एसी को ध्यान में रखा गया इसके अंदर, कस्टमर का जो कन्वीनियंस है उसको ध्यान रखा गया, उसका ध्यान रखा गया सर। ग्रेट सर, बहुत अच्छा फीचर है। और अगर मैं डोर्स पे देखूं तो डोर्स में सर चारों विंडोज पावर आ रही है सर, और ड्राइवर साइड का जो है ऑटो डाउन अप रहेगा और एंटी पिंच भी रहेगा, एंटी पिंच फंक्शन भी रहेगा। और इसमें आपको अपने ड्राइवर को दरवाजों को लॉक अनलॉक कर सकते हो सर। ओके, और शीशे लॉक कर सकते हो। ओके, और ये में साथ में फोल्डेबल भी दिया गया हुआ है। ओके, और ये मिरर्स फोल्ड भी हो सकते हैं और एडजस्ट भी हो सकते हैं। ग्रेट, और क्रोम तो काफी सुंदर है। और इसमें आपको देख सकते हो सर ड्यूल टोन इंटीरियर दिया गया हुआ है, ड्यूल टोन इंटीरियर दिया गया है इसमें, काफी कंफर्टेबल है सर, लेदर में और लेदर रैप फिनिशिंग दी है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और सीट में बताना चाहूंगा सर, सीट में अभी हमें एक्स्ट्रा कव्स दे दिए गए हैं जैसे कि सीटिंग के दौरान कंफर्ट बहुत अच्छा सर इसका। ओके, कंफर्टेबल कव दे रखा है। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। और इसके अंदर अगर बात करें गियर्स, आपने मारुति शुरू की में तो वो पांच ही गियर आ रहे हैं और एक रिवर्स गियर आ रहा है सर इसमें। कप होल्डर भी बढ़िया है, कप होल्डर भी अच्छा है। और सर इसमें एक USB पॉइंट दिया गया हुआ है और एक एक्सेसरी सॉकेट दिया गया हुआ है। ओके, कस्टमर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं चार्जिंग करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड एसी इसमें ऑटोमेटिक मिल गया सर या मैनुअल रहेगा? हाँ जी सर, एसी सर ऑटो मिलेगा इसमें, बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल में आएगा जी। आपको ऑटो एसी बेस मॉडल से टॉप मॉडल, बेस मॉडल से टॉप मॉडल से भी मिलेगा सर। बहुत अच्छा फीचर है। और आप इसमें देख सकते हो ये अभी पहले जो आर्मरेस्ट आता था वो फिक्स आता था, अभी वो स्लाइडर आ रहा है और विद स्टोरेज के साथ आ रहा है। स्टोरेज भी अवेलेबल है जी? बिल्कुल, काफी स्टोरेज है इसके अंदर। हाँ जी सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, अच्छा फीचर है। और इसमें म्यूजिक सिस्टम एक बार दिखाएंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा देखना सर सभी को। लीजिए, ऑन कर रहे हैं सुजुकी के लोगों के साथ 9 इंच स्क्रीन। और जब तक म्यूजिक सिस्टम ऑन हो रहा है तो इसकी बात करें सर, ऑटोमेटिक में इसमें ये IR में सर ऑटो आ जाएगा, इसमें एंटी ग्लेयर रहेगा, एंटी ग्लेयर रहेगा। ओके, रात आप इसमें देख सकते हो सर, इसमें जो अभी म्यूजिक सिस्टम स्टार्ट हो गया। ओके, तो इसमें 360 कैमरा ये चारों तरफ का भी दिखा रहा है जो गाड़ी खड़ी है अपनी, जो इसमें साइड के दोनों तरफ का, ऊपर नीचे का और आगे पीछे का सर। इसमें ये अच्छा फीचर है, मतलब कस्टमर्स के लिए बढ़िया फीचर है। अभी यहाँ देख सकते हो सर आप, ओके, व्यू किया मैंने और मेरे को आगे पीछे इसमें मैं नहीं दिखाई दे रहा नहीं सर। ओके, गाड़ी दिख रही है। बिल्कुल सर, इसमें आप सेटिंग भी कर सकते हो जैसे कि हाँ भाई अपने अकॉर्डिंग, जैसे गाइडलाइन डिस्प्ले आप कैसा करना चाहते हो, इसको ऑफ करना चाहते हो या इसको कंटिन्यू करना चाहते हो। राइट, कैमरा स्क्रीन फॉरवर्ड जैसे आप आगे का करना चाहते हो। ओके, ठीक है, किस तरह के कैमरा चाहिए? हाँ जी, जिस तरह आपको कैमरा यूज करना, फॉरवर्ड करना, रिवर्स करना है, राइट लेफ्ट, वो सभी का इसमें सर डिस्प्ले दिया हुआ है। ओके, ओपनिंग डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ग्रेट।
और इसके अलावा कुछ और फीचर इसमें? और इसमें सर अभी एलेक्सा आ रहा है सर। एलेक्सा तो घर घर पहुंच गया आजकल। जी बिल्कुल। जी 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 ओके। मीन्स इससे आप कोई इंस्ट्रूमेंट भी कंट्रोल कर सकते हैं एलेक्सा से, और गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं? गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। और जिस लोगों ने, जिन दोस्तों ने एलेक्सा यूज़ किया हो तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, और यहाँ पे अच्छा लगेगा आपको फीचर। और इसमें सर ब्लूटूथ पेयर भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर। ओके, आप कर रहे हैं। ओके, मिस्टर तरुण ने ब्लूटूथ पेयर कर दिए, और ये लीजिए। अभी अपने अकॉर्डिंग जो म्यूजिक सुनना चाहते हैं सर वो सुन सकते हैं। ओके, और जब इस पे बैठे तो इसमें ये वेलकम मैसेज भी आता है? वेलकम मैसेज भी आता है, और जरा म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं। प्ले कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। और हजार्ड लाइट तो काफ़ी अच्छा स्विच, बड़े अच्छे सिचुएशन दे रखे हैं ना, बड़ी जगह, अच्छी जगह पे। यहाँ पे अगर हाईवे पे हैं तो उसको ऑन कर लीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो सर, जैसे एसी का ऑफ ऑन का आ गया। ओके, ऑटो एसी आ जाता है सर इसमें, ऑटोमेटिक ऑन कर देगा। ऑटोमेटिक, हाँ जी, वो तो बाहर cabin, और अंदर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो कैबिन के टेम्परेचर को वही बना रखा है जो आपने बोला है? जैसे आपने 20 बोल दिया तो 20 बना रखेगा, 20 बना के रखेगा। और इसमें आपको फ्रंट में ये डिफोगर दिया गया हुआ है। ओके, जैसे कि बारिश हो गई या इसमें रियर भी डिफोगर और फ्रंट भी हो, दोनों ही रियर में दिया। और इसमें आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है मोड चेंज करना है, जैसे आपने एसी की हवा या फैन की हवा फेस और पैरों में जैसे रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। जी जी जी, वो कर सकते हो यहाँ पे आप। ओके ग्रेट सर। और इस पे ग्लोव बॉक्स देखते हैं, ग्लोव बॉक्स भी दिया हुआ है सर, काफी अच्छा स्पेस है इसके अंदर, अच्छा स्पेस है, बड़े बढ़िया कागज आ जाएंगे इसमें, पेपर्स। जी बिल्कुल सर। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अब इस बार ड्राइवर साइड में भी दे दिया हुआ है इन्होंने, विद इल्यूमिनेटेड वैनिटी मिरर है। ओके, इसमें इल्यूमिनेशन भी रहेगा, और भाई साहब भी अपनी कंगी वंगी कर सकते हैं, और भाभी जी भी तो यहाँ पर भी इल्यूमिनेशन रहेगा क्या? इल्यूमिनेशन रहेगा यहाँ पे दोनों तरफ, अभी ड्राइवर और ड्राइवर, अभी तो दोनों भाई साहब भी बैठे हैं तो दोनों अपनी अपनी कंगी कर सकते हैं, शादी में जाना हो, पार्टी में जाना हो। और ये अपने अकॉर्डिंग सर, जैसे धूप वगैरह पड़ती है तो सेटिंग कर, सन वाइजर की सेटिंग आप कर सकते हैं, इसको आप निकाल करके साइड पर भी कर सकते हैं। हाँ जी, सूर्य देवता इस तरफ से आ रहे हैं तो ग्रेट, बहुत बढ़िया। और डोम लाइट्स पे दो लाइट दे रखी है अभी देख रहा हूँ। जी बिल्कुल। ओके, तो ये यहाँ पे ये वो स्पीकर दिए हुए हैं, जैसे आप ऑडियो कॉल करते हो तो यहाँ से आवाज जाएगी, अच्छी क्लियर आवाज आती है, अच्छी क्लियर आवाज, बहुत बढ़िया। ग्रेट जी, बहुत अच्छा लगा, फीचर्स है इसमें बहुत अच्छे, और स्क्रीन बड़ी मज़ेदार लगी, स्क्रीन अच्छी लगी। तो आइए देखें इसमें और क्या क्या फीचर है रियर का। अगर इसमें रियर से फीचर देखें सर, क्या क्या फीचर मिल रहे हैं सर? वो एंटीना आ रहा है सर। ओके, एफएम के अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं इसमें। ओके, और इसमें ये अपना स्पॉइलर दिया हुआ है विद माउंट, हाई माउंट स्टॉप लैंप। ओके, हाई माउंट स्टॉप लैंप, हाई माउंट स्टॉप लैंप का ये फायदा होता है, जैसे कि पीछे गाड़ी आ रही है तो उनको पता लग जाता है कि फ्रंट वाला ब्रेक लगा रहे हैं, पीछे से पीछे वाली गाड़ी देख लेते हैं। ओके, और रियर में आपको डिफोगर भी आ रहा है, डिफोगर का ये फायदा है जैसे सर्दियों में मिस्ट फॉग वगैरह फॉग आती है, बिल्कुल जम जाती है, तो वो उसको क्लियर करने के लिए रियर में डिमिस्टर दिए हुए हैं। ओके, और इसमें आपको रियर में वाइपर भी दिया गया है, वाशर भी दिया गया हुआ है। ओके, काफी सेफ है, अपना साफ कर सकते हो कि यहाँ भी पीछे वाला व्यू अंदर आईआरवी में अच्छा व्यू दिखेगा, सेफ्टी बनी रहेगी सर, सेफ्टी पॉइंट दिया गया। और इसमें साथ में सर ये रियर में क्रोम मिड स्पॉइलर दिया गया हुआ है जो कार के लुक को अच्छा बनाता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। साथ में इसमें कैमरा दिया है, 360 कैमरा है सर ये, और ये 360 का मतलब है आपकी गाड़ी को पूरी तरफ से, पूरी तरफ से दिखाता है सर, ये भी आगे भी साइड्स पे ORBM पे। और साथ में इसमें सर 3-डॉट टेल लैंप्स, LED टेल लैंप्स दिए गए हुए हैं। ओके, LED टेल लैंप तो काफी सुंदर लग रहे हैं सर, बहुत बढ़िया, और सेफ्टी भी है, सेफ्टी भी है सर। और साथ में इसमें रियर में रिफ्लेक्टर दिए गए हुए हैं, रिफ्लेक्टर भी काफी सेफ्टी के काम आते हैं, काम आते हैं। और साथ में चार सेंसर लिए गए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जैसे गाड़ी आप पार्क करते हो तो पीछे तो बीप करता है, बीप के दौरान पता लग जाता है कि पीछे अभी हमें करनी है गाड़ी। ओके ग्रेट सर, काफी सेफ रहता है इसमें। और यहाँ पे बोर्ड स्पेस आपको दिखाना चाहूंगा। जी जी, क्या बात है, लगेज कंपार्टमेंट मजेदार सर, बहुत अच्छा बोर्ड स्पेस है सर, और गहराई भी काफी है, डीप में है। और ये यहाँ पे आपको साथ में एक स्पेयर व्हील दिया गया हुआ जो 15 इंच व्हील रिम के साथ, स्टील व्हील रिम के साथ है, स्टील व्हील के साथ। ग्रेट सर, और साथ में किट इधर पड़ी हुई है, और साथ में यहाँ पे सर ये अंदर में आपको एक कैबिन लैंप दिया गया हुआ है। ओके, यहाँ पे आप इसको जैसे नाइट वे में इसको यूज करते हो, कोई सामान निकालना है तो आसानी से निकाल, काफी कन्वीनियंट फीचर है सर। जी बिल्कुल। और ये पार्सल ट्रे भी अवेलेबल है, पार्सल ट्रे भी अवेलेबल है। कैबिन की कूलिंग लगेज कंपार्टमेंट नहीं आएगी ना, कूलिंग अच्छी होगी, कूलिंग अच्छी होगी।
ओके। और साथ में इसको सर अगर अगर पास रिमूव भी कर सकते हो, अगर इसको आप रिमूव करना चाहते हो तो। ओके, इसको रिमूव करके हम 60-40 एडजस्टेबल जैसे मारुति करती है, वो अवेलेबल है? 60-40 स्पेल्ड सीट्स आ रही है रियर। मींस अगर चार लोग गाड़ी में है और बैठना चाहते हैं, अगर सामान ज्यादा है कैरी कर रहे हो, तो आप उसके साथ उसको अपना 40% सीट को डाउन कर देंगे और सामान रख सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, तभी तो गाड़ी कामयाब है। और फ्यूल टैंक आ गया सर, फ्यूल टैंक 37 लीटर का आ रहा है सर। 37 का मतलब है आप एक बार टैंकी फुल कराओ फिर भूल जाओ। ग्रेट, और बहुत बढ़िया। माइलेज आ रही है इस बार अच्छी आ रही है सर, जो अभी माइलेज आ रही है वो मैनुअल की 22.34 आ रही है सर। ओके। और जो नबी ये ऑटोमेटिक की वो 22.94 की आ रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया माइलेज। और पेट्रोल भी महंगा है, मैं समझ पा रहा हूँ। ग्रेट सर, डीजल और पेट्रोल सर सेम ही होती है। जी जी जी, हाँ बिल्कुल सर। देखें इसमें इंजन में क्या क्या पावर टॉर्क, कितना पावरफुल इंजन है अभी सर? जो इंजन आ रहा है सर 1.2 लीटर सर, अपना के सीरीज के साथ आ रहा है, ड्यूल जेट ड्यूल इविटी इंजन आ रहा है। मतलब 1200 सीसी का के सीरीज बोले तो एल्युमिनियम इंजन दे रहे हैं। क्या बात है, जल्दी गर्म जल्दी ठंडा। क्या बात है, और ड्यूल इविटी आ रहा है। और क्या पावर क्या रहेगी सर? इसकी जो पावर है सर 66 किलोवाट 6000 आरपीएम के साथ, और जो इसकी टॉर्क है 113 एनएम 4000। मतलब पावर अच्छी है और रफ्तार बहुत अच्छी पकड़ेगी गाड़ी, और टॉर्क अच्छा है, तो इसका मतलब अगर चढ़ाई पे जाना हो, हिमाचल घूमने जाना हो किसी ने, तो पहाड़ों पे मज़ा आएगा चलाकर गाड़ी को। क्या बात है, ग्रेट सर। और इसने आपने काफ़ी ज़्यादा NVH का भी ध्यान रखा, मैं देख पा रहा हूँ। नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस जो है अंदर नहीं जाएगी, कैबिन में नॉइस नहीं जाएगा। अभी इंजन स्टार्ट है तो हमने जानबूझ के किया दोस्तों, ताकि अंदर चेक करें, दो लोग अंदर बैठे हैं देख रहे हैं कि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। अभी सर आप यहाँ पे देख सकते हो नया फीचर दिया गया हुआ है इस बेलिनो में, जो पहले की नहीं आता था। रियर में एसी वेंट दिया गया हुआ है सर। ओके। और साथ में इसमें आपको ड्यूल मोबाइल चार्जर, ड्यूल मोबाइल चार्जर दिया गया। बात है सर, बहुत बढ़िया। और इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो, एसी को एसी वेंट को सेट कर सकते हैं। जी सर। और आपका आपकी हाइट कितनी सर? आप बड़े आराम से बैठे हैं इसमें। 6 फुट है सर मेरी हाइट, आप देख सकते हो। बात है, बल्ले बल्ले पंजाब देख सकते हो। हाँ। बेडरूम भी देख सकते हो और सर। ग्रेट जी, बहुत बढ़िया। शोल्डर रूम भी मेरा देख सकते हो, मैं इजीली बैठा हूँ सर यहाँ। ओके, बहुत बढ़िया। शोल्डर रूम में 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं इसके अंदर सर। ये डोर साइड पे आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है। हाँ। और इसमें आप एक कप होल्डर भी दिया गया हुआ है सर। ओके, कप होल्डर भी है। और इसमें आपको ये देख सकते हो एसिस्ट ग्रिप भी दे रखा है। क्या बात है, वो भी फोल्डेबल है जी। बिल्कुल, आप छोड़ देंगे तो खुद चला जाएगा, खुद ही चला जाएगा। बहुत बढ़िया। और हेडरेस्ट मैं देख पा रहा हूँ एडजस्टेबल रियर में। जी सर, दो हेडरेस्ट दिए गए, एडजस्टेबल। क्या बात है, साथ में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेजेस भी दिए गए। आइसोफिक्स भी है, मीन छोटे बच्चे किसी के हैं तो चिंता की जरूरत नहीं। जैसे लेडीज अकेले ड्राइव कर रही है तो उसको आप सीट को लगाकर उनको बेल्ट के साथ इजीली आप ड्राइव कर सकते। एक सवाल है सर, मेरे दर्शक भी पूछते हैं फोन करके, पीछे आया था फोन मेरे को कोलकाता से, कि क्या फ्रंट में को ड्राइवर सीट पे भी बच्चे को एनकोरेजेस लगा के बिठा सकते हैं? नो सर। क्योंकि रीजन क्या, सेफ्टी है? वो सेफ्टी के लिए रखा गया हुआ है सर। सेफ्टी के लिए, ओके ग्रेट। तो भी रियर पे बिठाते हैं जो? तभी। थैंक यू सर, गुड इन्फॉर्मेशन, और मैं सभी से शेयर कर देता हूँ। तो लीजिए इस गाड़ी में सर आप कुछ सराउंड सिस्टम बता रहे हैं? बताना चाहूंगा इसमें 3D सराउंड सिस्टम आ रहा है जो आर्क मेज के साथ आ रहा है। ओके, 3D मतलब कि जब आप म्यूजिक चलाएंगे तो धमाल हो जाएगा। धमाल हो जाएगा, जैसे कि कोई लाइव म्यूजिक चल रहा है। हमारे पंजाब में वैसे भी संडे को नहर पे लोग जाते हैं नहाने के लिए, और वहीं पे डीजे लगा के नाचते भी है, वो देखा मैंने। हाँ जी जी जी, उनके लिए बहुत अच्छी गाड़ी देखी। आपकी हाइट इतनी ज्यादा है और आराम से आप बाहर जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ग्राउंड क्लीयरेंस आ रहा है सर, आप देख सकते हो कि सर बहुत अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस है, 170 आ रहा है इस समय। ओके, 170 एमएम का ग्राउंड क्लीयरेंस, मतलब कि 170 अंडर बॉडी डैमेज का मतलब ही नहीं है। 170 एमएम के साथ। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया और बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने। और बलिनो का मतलब मजा आ गया देख करके सर, दिल खुश हो गया ये गाड़ी को देख करके। तरुण जी, बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने गाड़ी के बारे में, बलिनो के बारे में। मतलब आई लाइक दिस व्हीकल, बेस्ट व्हीकल ऑफ द इंडस्ट्री। इस सेगमेंट में वैसे भी अच्छी बिकती थी गाड़ी, और मेरे को पता है इसके बाद और अच्छा बिकेगी, जो आपने फीचर एक्सप्लेन किए हैं। तो तरुण जी, कुछ दर्शकों को बोलना चाहेंगे कि गाड़ी के लिए अगर किसी ने बुकिंग कराना हो तो? जी सर, वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो अभी गाड़ी का वेटिंग पीरियड चल रहा है जो 6 to 8 weeks है सर। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अपना बुकिंग कराएं। ये हमारा शोरूम है सर, नेक्सा लवली ऑटो मॉडल टाउन
बस स्टैंड के पास लुधियाना लुधियाना में भी। ओके, और अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा नाम तरुणदीप यादव और जो मेरा ऑफिशियल नंबर है 9875916869 है। सर रिपीट कर दीजिएगा एक बार। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सर 9875916869 सर। ग्रेट सर, थैंक यू। और एड्रेस सबको पता है, बस स्टैंड वाला पुल क्रॉस करेंगे तो हम लवली ऑटो पहुंचेंगे नेक्सा के अंदर। और थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है इस गाड़ी के बारे में, बलिनों के बारे में। और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। उससे पहले किसी ने सब्सक्राइब ना किया कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर बनता है दोस्तों। और कमेंट जरूर करें कि आपको तरुण जी की गाड़ी या तरुण जी का डेमो और ये गाड़ी कैसी लगी। और थैंक यू वेरी मच, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।